आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहानी ऐसी कि आंखों में आंसू आ जाए। दोस्तों जब ये लेक्चर खत्म होगा, एक तो पहले पहली बात, ये लेक्चर आपको शुरू से आखिर तक सुनना है। जब ये लेक्चर खत्म होगा तो डेफिनेटली आपकी भी आंखों में आंसू आ सकते हैं। खड़े होकर तालियां बजाएंगे आप किंजल सिंह के लिए, और यकीन मानिए आपको अपनी प्रॉब्लम्स कम लगने लगेंगी, आपको अपने दुख कम लगने लगेंगे जब आप इस लेक्चर को देखेंगे। ये एक ऐसी कहानी है, इतनी मुश्किल भरी स्थिति से एक इंसान की हिम्मत नहीं टूटी, उसने ज्ञान से, पढ़ाई से पूरी दुनिया को झुका दिया। किंजल सिंह और उनकी बहन प्रांजल सिंह ने बहुत मेहनत की और दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी निकाला। किंजल सिंह ने तो टॉप किया। इस समय ये लखीमपुर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। प्रांजल सिंह भी आईएएस हुई, इस समय आईआरएस है वो। तो आज हम बात करने वाले हैं किंजल सिंह की। एक ऐसी शख्सियत है जिनकी राह में कांटे ही कांटे बिछे थे। पिताजी की हत्या कर दी गई थी जब किंजल सिंह सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की थी। 31 साल तक ये इंसाफ की लड़ाई लड़ी गई। माताजी को कैंसर हो गया, 2004 में इनकी माताजी का देहांत हो गया। धर्म युद्ध लड़ा यहां पे किंजल सिंह और प्रांजल सिंह ने। जिस तरीके से अर्जुन ने धर्म युद्ध लड़ा था, आपने देखा ही है, आपने सुना ही है महाभारत। जिस तरीके से अर्जुन ने धर्म युद्ध लड़ा था, भगवान कृष्ण उनको निर्देश दे रहे थे, उसी तरीके से किंजल और प्रांजल ने भी ये धर्म युद्ध लड़ा। यहां पे जो कृष्ण थे वो थी इनकी माताजी विभा सिंह। तो ऐसी कहानी है ये कि वाकई में सल्यूट करने का मन करता है। एक कहानी से शुरुआत करना चाहूंगा जो किंजल सिंह और प्रांजल सिंह दोनों बताती हैं। किंजल सिंह ये बोलती हैं कि एक बार क्या हुआ था कि फेस्टिवल सीजन था, तो दिवाली आ गई। अब मेरी माताजी का उसी समय देहांत हुआ था, 2004 में इनकी माताजी का देहांत कैंसर से हो गया। किंजल सिंह प्रांजल सिंह दोनों अकेले। उस समय ये दिल्ली में पीजी में रह के आईएएस की तैयारी कर रही थी। अब हुआ क्या, दिवाली आई, दिवाली के समय हर कोई छुट्टी पे चला गया। जितने भी लोग वहां पे आईएएस की तैयारी कर रहे थे सब अपना रूम छोड़ के अपने अपने घर चले गए। यहां पे खाने को कुछ नहीं था, मेसेस बंद हो गई। तो किंजल सिंह और प्रांजल सिंह बिल्कुल अकेले। अब वो कहां जाएं, ना माताजी हैं ना पिताजी हैं, अनाथ हैं दोनों, जाएं तो जाएं कहां। एक रूम था, वहीं पे दोनों बैठी, मैगी लेके आई किंजल सिंह, और प्रांजल सिंह से ये बोला कि बिल्कुल परेशान मत हो, अरे ये 3 दिन वेस्ट करके आएंगे, मैं तुमको 3 दिन में इतिहास पढ़ा दूंगी, हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, मेंस निकाल लेंगे हम। 3 दिन जम के किंजल सिंह ने प्रांजल सिंह को हिस्ट्री पढ़ाई, इतिहास पढ़ाया। फर्क ये हुआ कि किंजल सिंह ने आईएएस टॉप किया और प्रांजल सिंह ने भी आईएएस निकाला, आईआरएस हो गई। दोनों बहनें आईएएस हो गई। लेकिन दोस्तों जब उन्होंने यूपीएससी निकाला, तब ना ही उनके पास माताजी थी उनकी और ना ही पिताजी। ये खुशी जो है ना वो शेयर नहीं कर पाई। लेकिन शेयर करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इनकी माताजी को जैसे ही किंजल सिंह का जन्म हुआ और जैसे ही प्रांजल सिंह का जन्म हुआ, इनकी माताजी को भरोसा था कि मेरी बेटियां अफसर बनेंगी, अफसर बिटिया बनेंगी। और यहां पे किंजल सिंह और प्रांजल सिंह से ज्यादा श्रेय इनकी माताजी को जाता है, इनकी मदर को जाता है, जिन्होंने इतनी कठिनाइयां झेल के अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज पूरी दुनिया को झुका दिया उन्होंने। तो ये इंस्पिरेशनल स्टोरी की आज हम बात करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, नॉलेज इज दी बेस्ट रेमेडी ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। अगर आप दुखी हैं, अगर आप परेशान हैं, ज्ञान का रास्ता पकड़ लीजिए, सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लास्ट तक लेक्चर सुनिएगा। ये प्लीज, ये मेरी आपको बात माननी है। सिड अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर चेक पीडीएफ दे सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेस हर एग्जाम्स के लिए आते हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। शुरू से शुरू करते हैं दोस्तों। गोंडा एनकाउंटर केस बहुत ही फेमस एनकाउंटर केस है। बात है दोस्तों 1970-1980 की, जब ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आते थे। आज भी सामने आते हैं, फेक एनकाउंटर केस सामने आते हैं, लेकिन आज थोड़े कम होते हैं। उस समय से बहुत सारे केसेस हैं, कुछ आगे कुछ नहीं है। लेकिन ये मामला था किंजल सिंह के पिताजी कृष्ण प्रताप सिंह, जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, डीएसपी थे। 6 महीने पहले 1981 में किंजल सिंह का जन्म होता है। बहुत प्यार करते थे अपनी बेटियों से, बहुत ज्यादा। प्रांजल सिंह गर्भ में थी, उनका जन्म नहीं हुआ था उस समय जब ये पूरा एनकाउंटर हुआ था। हुआ क्या था इस एनकाउंटर में दोस्तों,
12 मार्च 1982 की रात थी, माधवपुर गांव था गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, डाकुओं को पकड़ने गई थी, लेकिन ये पूरी की पूरी साजिश रची गई थी कृष्ण प्रताप सिंह केपी सिंह के खिलाफ, जो कि डीएसपी थे उस समय। और आपको बता दूं कि केपी सिंह ने उस समय आईएएस का एग्जाम निकाल लिया था, सिर्फ इंटरव्यू देना बाकी था, लेकिन इंटरव्यू देने से ठीक पहले इनकी हत्या कर दी गई। और इनकी हत्या डाकुओं ने नहीं की थी भैया, इनकी हत्या की थी इन्हीं के ही पुलिस ऑफिसर्स ने, दो गोलियां मारी थी। और यहां पे जो रिपोर्ट थी उसमें यह लिख दिया कि डाकुओं ने बम फेंका, उसमें हत्या हो गई केपी सिंह की। अब सवाल यह उठता है कि पुलिस ने केपी सिंह को मारा क्यों? केपी सिंह के जो जूनियर्स थे और इनके साथ जो काम करते थे, कुछ चार्जेस, करप्शन के चार्जेस लगे थे, जिससे यह हुआ था कि इन्होंने जांच के आदेश दे दिए थे। अब यहां पे पुलिस वालों का मूड खराब था कि ऐसा कैसे इन्होंने कर दिया, तो यह पूरी साजिश रची गई, अपने आप को फंसता देख यहां पे पुलिस वालों ने यह पूरा षड्यंत्र रचा और अपने ही महकमे के एक ऑफिसर को जान से मार दिया, दो गोलियां मारी थी यहां पे। और दोस्तों यह बोला गया था कि डाकुओं से जो मुठभेड़ हुई थी वहां पे बॉम्ब फेंका गया और केपी सिंह को मार दिया गया। अब भैया डाकू कहां से लाए, ये भी तो दिखाना है ना रिपोर्ट में कि डाकू थे, 12 लोगों को पकड़ के लेके आए गांव से, 12 लोगों को मार दिया, कुछ लेना देना नहीं, 12 लोगों को मार दिया, लाशें दिखा दी कि ये देखिए डाकू हैं, इन्हीं से हमारी मुठभेड़ हुई थी जिसमें हमारे साहब केपी सिंह की हत्या हो गई। केपी सिंह की जब इनको मारा गया तो किंजल सिंह 6 महीने की थी, प्रांजल सिंह का जन्म नहीं हुआ था। इनकी माता जी जो कि एक पीसीएस ऑफिसर रही है, बहुत ज्यादा उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन अभी हम ये स्टोरी सुन रहे हैं, अभी किंजल सिंह आईएएस ऑफिसर हैं, प्रांजल सिंह भी आईएएस ऑफिसर हैं, लेकिन उस समय सोचिए दोस्तों कितनी बुरी कंडीशन रही होगी। विभा सिंह जो पत्नी है केपी सिंह की, वो हर जगह गई, हर जगह गई, सब जगह उन्होंने मदद की गुहार लगाई, कोई सामने नहीं आया, डिपार्टमेंट शामिल था। जब सिस्टम से ही क्राइम हुआ हो तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं आपको न्याय मिलेगा? तो इनकी माता जी को न्याय की उम्मीद दिखी ही नहीं, ये पुलिस स्टेशन जाती, इनको दुत्कार के निकाल दिया जाता कि हम कंप्लेन ही फाइल नहीं करेंगे, कोर्ट का सहारा था, तो ये कोर्ट में चली गई और 31 साल तक ये लड़ाई लड़ी गई है, 31 साल तक। जब 2013 में फांसी की सजा दी गुनहगारों को, तो किंजल सिंह डीएम थी और वो वहीं पे ही बैठी हुई थी और सामने उनका गुनहगार खड़ा हुआ था, अभी हम उसकी भी बात करेंगे। तो ये पूरा का पूरा केस था, ये स्टोरी थी, ठीक है। अब आपको बता दूं कि जब 2013 में ये जजमेंट आया तो कोर्ट जो जज थे वो एक लाइन पढ़ी उन्होंने, और ये किंजल सिंह बताती हैं कि क्या था कि जब इंसान का आखिरी समय आता है तो इंसान वही चीज बोलता है, उसी चीज के लिए गुहार लगाता है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो केपी सिंह के जो लास्ट वर्ड्स थे वो ये थे कि प्लीज मुझे मत मारो, मेरी दो बेटियां हैं। कितना प्यार करते थे अपनी बेटियों से, लेकिन पुलिस वालों ने एक ना सुनी, उनको मार दिया। कहानी यहां से शुरू होती है, मार तो दिया, उनको लगा कि वो आसानी से बच जाएंगे, 1982 का साल था, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे पॉलिटिशियंस तो ऐसे हैं दोस्तों जो बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल रह चुके हैं, उनके आप केसेस देखेंगे, नाम लेना सही नहीं रहेगा, लेकिन जब आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे ना तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। और उस समय तो खैर बहुत धांधली चलती थी, किसी और लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये 1980s 1970s, टेक्नोलॉजी तो थी नहीं ना, तो बहुत धांधली चलती थी दोस्तों। तो यहां पे हम देखते हैं कि किंजल सिंह 6 महीने की थी और इनकी बहन प्रांजल सिंह का जन्म नहीं हुआ था, इनकी माता जी विभा सिंह को यह लड़ाई लड़नी थी। पुलिस स्टेशन गई, उन्होंने कंप्लेन लिखने से मना कर दिया, FIR नहीं फाइल की, सुप्रीम कोर्ट चली गई और उसके बाद 31 साल तक यह लड़ाई चली है। इनकी माता जी वाराणसी में थी, ट्रेजरी ऑफिसर थी, पीसीएस थी, वाराणसी में थी। अब यहां से किंजल सिंह की कहानी शुरू होती है। अब किंजल सिंह बताती है कि मैं बहुत ज्यादा जिद्दी थी, मुझे पिताजी का प्यार तो कभी मिला नहीं, अगर मुझे कोई बोल दे कि पापा का प्यार समझाओ तो मैं नहीं समझा सकती क्योंकि मैंने कभी पापा को देखा ही नहीं। मेरी माता जी ने जितना मुझे प्यार दिया है उतना कोई भी नहीं दे सकता, मैं इतनी जिद्दी थी, किंजल सिंह बोलती है, मैं बहुत जिद्दी थी, पढ़ने में भी अच्छी नहीं थी, फेल होती थी, लेकिन उसके बावजूद
मेरी माताजी ने कभी भी मुझे डिस्करेज किया ही नहीं। किंजल सिंह से ज्यादा यहां पे विभा सिंह की तारीफ होगी दोस्तों, उन्होंने जो किया वो सल्यूट है इनको। तो यहां पे मेरी माताजी ने कभी भी मुझे नहीं टोका, मैं कितनी भी बड़ी शैतानी कर दूं। जब मैं बड़ी हुई, प्रेशर आने लगा फैमिली से कि मेरी शादी कर दी जाए, शादी कर दी जाए, तब भी मेरी माताजी ने यही बोला, मेरी मम्मी ने यह बोला कि बेटा पढ़ाई करो, भूल जाओ सब। इनकी फैमिली, वैसे बता दूं कि इनकी फैमिली में सब आईएएस आईपीएस है, इनकी मौसी आईपीएस है, इनके जो चाचा जी हैं वो सब आईएएस है। लेकिन वही है ना कि जब क्या कहते हैं कि जब मुसीबत आती है तो भैया काम तो सिर्फ अपने ही आते हैं। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी दोस्तों, लेकिन किंजल सिंह ने यहां पे अपनी जिम्मेदारियों को समझा। शुरू में पढ़ने में बड़ी दिक्कत हुई, आपको बता दूं कि इनकी जो इनिशियल पढ़ाई है वो बहुत अच्छी नहीं रही। टेंथ में जब ये थी तो बोर्ड से पहले प्री बोर्ड्स होते हैं, तो उसमें फेल हो गई, ठीक है। अब जब ये फेल हो गई तो इनके स्कूल से ये बोला गया कि हम इसको बोर्ड में बैठने नहीं देंगे, बोर्ड एग्जाम्स में बैठने ही नहीं देंगे। तो इनकी माता जी गई स्कूल में, बात की प्रिंसिपल से। उसके बाद यहां पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि किंजल सिंह को साबित करना है। किंजल सिंह ने बड़ी मेहनत की, 90% लेके आई। उसके बाद 12th आता, 11th 12th, ठीक है। अब यहां पे किंजल सिंह ने ले ली मैथ्स, साइंस ले ली। किंजल सिंह बताती है कि मुझे कभी भी मैथ्स समझ आई नहीं, आज भी मैं मैथ्स नहीं सॉल्व कर सकती, फिजिक्स नहीं सॉल्व कर सकती। मैंने जिद में तो साइंस ले ली, लेकिन जब असली में पाला पड़ा तो मेरी हालत खराब हो गई। 11th में मैं फेल हो गई, 12th में प्री बोर्ड्स में बहुत बेकार मार्क्स आए, फेल हो गई। 12th में मुझे अपीयर होना था, क्या करूं। तो यहां पे फिर प्रिंसिपल से मेरी माताजी बात करने गई, मेरी मदर बात करने गई। तो वहां पे टीचर ने मुझे बुलाया और बोला कि तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है क्या। किसी तरीके से किंजल सिंह को 12th में अपीयर होने का मौका मिला। लेकिन यहां पे किंजल सिंह ने इतनी तगड़ी मेहनत की, वो बताती है कि उन्होंने मैथ्स रट ली थी। वो रोज सुबह 4 बजे उठती थी और रोज सवालों को रट लेती थी, वो समझती नहीं थी, वो 10,000 सवाल रट के चली गई थी। तो इनकी माता जी से बोलती थी कि एक बात बताओ बेटा, कि तुम पेन नहीं उठा रही हो, कॉपी नहीं उठा रही हो, तो मैथ सॉल्व कैसे कर रही हो। वो बोल रही हूं मैं रट रही हूं मम्मी, मुझे रटना है क्योंकि ऐसे मैं पास ही नहीं हो पाऊंगी। और 95% वाराणसी में टॉप किया था दोस्तों, इनके फिजिक्स में 97, 98 मैथ्स में थे और केमिस्ट्री में भी 90+ थे, तो पूरे वाराणसी में इन्होंने टॉप किया था। टॉप तो कर दिया इन्होंने, उसके बाद मेन पढ़ाई शुरू होती है। अब यहां पे इनके ऊपर दबाव ये आया कि आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़िए, ठीक है, और इंजीनियरिंग करिए आप, इंजीनियरिंग करेंगी आप, क्योंकि यहां पे आपके साइंस में इतने बेहतरीन मार्क्स आए हैं, इनकी माताजी ने इनसे ये बोला, तो आप इंजीनियरिंग करो। तो इन्होंने बोला कि इंजीनियरिंग मैं कैसे करूं जब मुझे समझ ही नहीं आती है इंजीनियरिंग, मैंने साइंस रटा है, मैंने समझा नहीं है, मैं आर्ट्स लूंगी। तो इनकी माताजी ने बोला तुम्हारी जिद है, देख लो तुम्हारी जिद पे मैं आर्ट्स दिला रही हूं, सोच समझ के फैसला तुम्हारा है, कुछ गड़बड़ मत करना। लेकिन इनकी माताजी को डेफिनेटली, इनकी मदर को किंजल सिंह पे पूरा भरोसा था, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं कि इन्होंने लेडी श्रीराम कॉलेज, जो कि वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है, वहां पे इन्होंने लॉ की पढ़ाई की। प्रांजल सिंह ने बनारस में ही पढ़ाई की और बीएचयू में एडमिशन लिया, उन्होंने साइंस किया और वो टॉपर रही है। इनकी बहन प्रांजल सिंह वो बॉटनी डिपार्टमेंट की टॉपर रही है। किंजल सिंह ने भी लेडी श्रीराम कॉलेज को टॉप किया, लॉ की टॉपर रही है, ये लॉयर रही है, ये समझ रहे हैं ना, मतलब लॉयर इन द सेंस कि लॉ की पढ़ाई, डिग्री है इनके पास लॉ की। तो यहां पे क्या हुआ कि किंजल सिंह बताती हैं कि मुझे जबरदस्ती इंजीनियरिंग का मतलब मुझे एग्जाम देना पड़ा। तो मैं आईआईटी का जब एग्जाम दे रही थी तो पेपर में मैं कार्टून बना रही थी, तो यहां पे जो टीचर है इनविजिलेटर आया मेरे पास और बोला कि बेटा तुम पेपर नहीं कर रही हो, तुम तो कार्टून बना रही हो। तो इन्होंने बोला कि मैं क्या पेपर करूं जब मुझे कुछ आता ही नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है ना, तो मैं कहां से, मुझे साइंस मेरे भेजे में घुसती ही नहीं। तो ये चीज थी। अब यहां पे विभा सिंह का पूरा सपोर्ट था, ठीक है, एक सिंगल मदर थी और एक डिवोटेड वाइफ। पैरेलली क्या चल रहा है, ये तो मैंने पढ़ाई का आपको समझा दिया। पैरेलली 5 साल की उम्र से किंजल सिंह कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही है, पता कुछ नहीं था। अपने पिताजी के बारे में पूछती थी शुरू में किंजल सिंह जब छोटी थी कि मेरे पापा कहाँ गए हैं, तो इनकी माताजी बोलती थी कि बेटा तुम्हारे पापा चांद पे गए हैं, वो जल्दी वापस आएंगे। तो छोटी थी, चुलबुली थी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई वैसे वैसे इनको, इनका जो सामना है वो सच्चाई से हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पिताजी की हत्या की गई है। कोर्ट में भी जाने लगी थी, 5 साल से ही ये कोर्ट के चक्कर काट रही, 31 साल तक ये कोर्ट में गई, समझ रहे ना, चक्कर लगाती रही है कोर्ट में, ये होता है।
लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे जो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी वो विभा सिंह, कितना प्रेशर रहा होगा, सोसाइटी ने कितना कुछ बोला होगा, लेकिन उसके बावजूद एक सिंगल मदर, एक विडो, उन्होंने अपनी दो बेटियों, बेटे भी नहीं, दो बेटियों को इस लायक बनाया कि वो आईएएस टॉप कर रही हैं। 2001 में बहुत ही खराब सिचुएशन आई जब इनकी माता जी को कैंसर हुआ, इनकी माता जी को बताया गया कि आपको कैंसर है, तो अब इनके इलाज में, उस समय किंजल सिंह ने एडमिशन ले लिया था, प्रांजल सिंह भी पढ़ रही थी, किंजल सिंह उस समय दिल्ली में थी, लेडी श्रीराम कॉलेज में पढ़ रही थी। तो किंजल सिंह ये बताती हैं कि मेरी माता जी ने, जब इनको कैंसर भी था, बीमारी बहुत गंभीर थी, बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन कभी भी वापस आने नहीं दिया मुझे। मैं जब भी आती थी अपनी माता जी को देखने के लिए, वो तुरंत मुझे वापस भेज देती थी कि बेटा तुम्हारी पढ़ाई लॉस हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख लूंगी, मेरे साथ है प्रांजल, तुम जाके पढ़ाई करो। कभी भी पढ़ाई में बाधा नहीं बनी। आपको बता दूं कि इतनी ज्यादा हिम्मती लेडी थी विभा सिंह की, अगर हम बात करें, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ऐसा है कि अब आप ज्यादा दिन बचेंगी नहीं, मतलब अब आपका कैंसर लास्ट स्टेज पे है, और आप मतलब बेहतर है कि आप घर पे ही रहें। तो हॉस्पिटल में कोई भी नहीं था, अकेली थी, किंजल सिंह थी, प्रांजल सिंह थी और विभा सिंह थी, सिर्फ यही तीन लोग थे। एक टाइम पे पूरा परिवार जो है वो साथ छोड़ ही देता है, ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन हो तो। यहां पे किंजल सिंह, प्रांजल सिंह बहुत उदास, और इनकी जो माता जी है विभा सिंह, वो बोलती है कि किंजल तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना, हम सेलिब्रेट करेंगे। तो किंजल सिंह बोलती है, एकदम शॉक्ड हो गई वो कि अरे ऐसे कैसे, अब ऐसी तबीयत है ना, तो क्या हुआ, तुम्हारा हर साल बर्थडे सेलिब्रेट होता है, इस बार भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बर्थडे से पहले दोस्तों इनकी माता जी का देहांत हो जाता है। अब बड़ी दुख, बहुत ज्यादा, किंजल प्रांजल अकेली, परिवार में प्रॉब्लम। लेकिन किंजल, इनकी माता जी ने शुरू से ही ये बोला था, किंजल को ये बताया था कि तुमको आईएएस ऑफिसर बनना है, तुमको अफसर बनना है, तुमको इस पूरी दुनिया को रूल करना है, तुम वॉरियर हो, तुम योद्धा हो। तो किंजल के दिमाग में ये, किंजल जो है ना, सपना जीने लगी थी, ये एक सपना जी रही थी। वो स्वामी विवेकानंद की कोट है ना, उन्होंने बोला है कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। जब तक अपने एम को पा नहीं लो, रुको नहीं, चलते रहो, अपने सपनों को जी लो। सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। रात में अगर उठो कि अरे यार ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, अरे मेरा पेन तो कहीं नहीं छूट गया, समझ लो कि एग्जाम निकलने वाला है, बहुत सही राह चल रहे हो। टेंशन हो, टेंशन है, नर्वस है एग्जाम को लेके, समझ लो कि तुम्हारा एग्जाम निकलने वाला है। टेंशन उन्हीं को होती है जिनकी बहुत तगड़ी तैयारी होती है। नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, ठीक है ना। तो किंजल सिंह दिल्ली में चली गई, दिल्ली में थी ही क्या, लेडी श्रीराम कॉलेज जब इन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, उसके बाद अपनी बहन प्रांजल सिंह को भी इन्होंने अपने पास बुला लिया, पीजी में रहने लगी है, ठीक है। अब पीजी में रहती थी ये, तो इन्होंने अपनी मकान मालकिन को ये नहीं बताया था कि ना ही मेरी माता जी है मेरे साथ, ना ही मेरे पिताजी, दोनों का देहांत हो गया है, ये इन्होंने नहीं बताया था। क्योंकि दिल्ली में बहुत इनसिक्योर फील करती थी दोस्तों, ऐसा होता है, अभी तो ये आईएएस ऑफिसर है, उस समय तो बहुत प्रॉब्लम रही होगी, ये 2005 की बात है। डर था कि अकेली लड़कियों को देख के, दुनिया में कहीं पे भी अकेली लड़कियों को देख के उनको परेशान तो किया ही जाता है, हार्श रियलिटी है ये सोसाइटी की। तो यहां पे उन्होंने मकान मालकिन को कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने बोला कि मेरे माता पिता दोनों ही सरकारी ऑफिस में काम करते हैं। एक कमरे में दरवाजा बंद करके दिन रात पढ़ती थी, खूब पढ़ाई की, मेहनत किया। फर्क ये हुआ दोस्तों, जब 2007 का रिजल्ट आया, 25th IAS टॉप किया किंजल सिंह ने, और प्रांजल सिंह की 252nd रैंक थी, दोनों बेटियां आईएएस हो गई। वो यूपीएससी एग्जाम जिसके लिए पूरा भारत जो है वो ट्राई करता है और सपना होता है लोगों का, दुनिया का टफेस्ट एग्जाम है। आप यहां पे सोसाइटी को गवर्न करते हो, बदलाव आप ला सकते हो, वो एग्जाम निकाल लिया था यहां पे। उसके बाद पहले इनकी पोस्टिंग बहराइच में हुई, बहराइच में ये डीएम बनी, इनकी जो बहन थी वो आईआरएस हुई, ठीक है, आईआरएस है अभी, कमिश्नर है वो। तो यहां पे हम देखते हैं कि इनकी जो पोस्टिंग थी वो पहले बहराइच की डीएम बनी है, और उसके बाद फिर इस समय लखीमपुर की डीएम है। और लखीमपुर की बात करें तो सबसे बड़ा एरिया है वो, अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एरिया है वहां पे डीएम। बहराइच में इन्होंने पूरा पलट दिया, शहर को पूरा पलट दिया, बहुत ही जबरदस्त काम था। लखीमपुर में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इतना बेहतरीन काम है इनका, और इतना मन, इनका जो मन है किंजल सिंह को, इतना साफ है, किस्सा बताती हैं
कि एक बार मैं जब तैयारी कर रही थी तो मैंने एक लड़के को देखा, वो न्यूज़पेपर बेच रहा था, ठीक है, और बारिश हो रही थी, वो तब भी न्यूज़पेपर बेच रहा था, ठंड में ठिठुर रहा है, तो मैंने अपना स्वेटर उसे दे दिया। तो जब घर आई तो मम्मी से डांट पड़ी, लेकिन जब मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी इसलिए मैंने उसको अपना स्वेटर दिया था, तो मेरी मम्मी बहुत ज्यादा खुश हुई। ठीक है, ऐसा दिल है। ऐसे अगर आईएएस ऑफिसर, मतलब इस तरीके के लोग अगर आईएएस नहीं निकालेंगे तो फिर ये हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो काबिल है उसको तो फिर पोस्ट मिलनी ही चाहिए। और इस समय लखीमपुर में भी बहुत ही बेहतरीन काम, वहां पे जेल को पूरा एक रिफॉर्मेशन उनका शुरू कर दिया है, फिर और भी बच्चों के लिए पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध हो। वो किंजल सिंह यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेहनत कर रही है, इनकी शादी भी हो चुकी है। किंजल सिंह की शादी जो है वो अभय सिंह से हुई, अभय सिंह भी डीएम है। हालांकि किंजल सिंह बताती है कि वक्त तो नहीं मिल पाता है मुझे ज्यादा। अच्छी बात यह है कि किंजल सिंह लखीमपुर में और अभय सिंह बहराइच के डीएम है, तो पास पास है, तो हफ्ते में एक बार मिल लेते हैं दोनों, तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों अगर और बात करें तो किंजल सिंह का जो डेली रूटीन है वो 6 बजे उठती है और जल्दी सो जाती है, और फिटनेस फ्रीक है, 1-2 घंटा एक्सरसाइज जरूर करती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, बड़ी मेहनती हैं। ये कहानी थी किंजल सिंह की। अब उस केस का क्या हुआ हम ये देखते हैं। 2013 में फाइनली जजमेंट आया, ठीक है, सीबीआई के कोर्ट ने 3 लोगों को, मतलब ये चार्जशीट फाइल हुई और उसके बाद फिर जज ने 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई, बाकी को उम्र कैद, ठीक। और ये पूरा साबित हो गया कि ये जो गुनाह था ये पुलिस वालों ने ही किया था, ठीक है ना। तो ये चीज थी। केपी सिंह की जो हत्या थी वो इन्हीं के ही डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने की थी। और शुरू में तो जब शुरू की इंक्वायरी हुई पुलिस ने की, पुलिस की इंक्वायरी, वो तो यही बोलेगी कि जो केपी सिंह का देहांत था, जो हत्या थी, वो क्रिमिनल्स ने ही की। लेकिन जब बाद में कंप्लेन फाइल की, ठीक है, और यहां पे विभा सिंह के साथ एक और इंसान थे, ठीक है ना, चितरंजन करके थे, वो एक सोशल एक्टिविस्ट थे, चितरंजन सिंह, उन्होंने बहुत ज्यादा मदद की थी, ठीक है ना। तो यहां पे फिर सुप्रीम कोर्ट गई इनकी वाइफ और चितरंजन सिंह, और उसके बाद फिर जो लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ यहां पे पीआईएल दाखिल की गई। और फिर हम ये देखते हैं कि जब सीबीआई को केस सौंपा गया, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा जब ये पूरे केस को सुना, फिर सीबीआई को सौंप दिया, और सीबीआई ने फिर 1989 में चार्जशीट जो है वो दाखिल की, और फिर सितंबर 2001 में, और फाइनली 2013 में, ये जो इतनी लंबी लड़ाई, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन 24 साल चला, लेकिन ये जो पूरा केस है वो 31 साल पुराना है। तो ये जो इतनी लंबी लड़ाई हुई है ये जो इंसाफ की, फाइनली 29 मार्च 2013 को कन्विक्ट किया गया। 3 लोगों को यहाँ पे फांसी की सजा और बाकियों को उम्र कैद, ठीक है ना। तो ये चीज थी। उसके बाद ये किंजल सिंह बोलती हैं, जब उन्होंने इंटरव्यू दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया को, आई एम प्राउड ऑफ माई फादर हु वॉज एन ऑनेस्ट ऑफिसर। बिल्कुल सही बात, और उसी की तरह किंजल सिंह है। एंड माई मदर हु प्रोवाइडेड टू बी हु प्रूव्ड टू बी अ स्ट्रॉन्ग सिंगल पेरेंट एंड अ स्ट्रॉन्ग विडो हु स्टूड अप अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू हर हस्बैंड। बिल्कुल सही बात है। 31 साल जो लड़ाई लड़ी है वो विभा सिंह ने लड़ी है। वो चाहती तो ये पूरा केस छोड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। जब तक सजा नहीं मिल गई हत्यारों को, तब तक वो लड़ती रही। देर आए दुरुस्त आए, इंसाफ मिला, भले ही देर से मिला, लेकिन इंसाफ हुआ। तो ये कहानी थी, इंस्पायरिंग स्टोरी किंजल सिंह। मजा आई कि नहीं? कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, सब कुछ भी नहीं था इनके पास, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने बहुत मेहनत की, मेहनत करके एग्जाम निकाला। हर कोई इंसान कर सकता है, जिस इंसान ने पढ़ना शुरू कर दिया वो समझिए आबाद हो गया। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।